दिस इज निशा गुप्ता फ्रॉम GCC. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग सेंटर. टुडे माई वीडियो इज़ अबाउट द टॉपिक क्लॉक. तो आज का टॉपिक जो है हमारा क्लॉक का है. ये बहुत बेसिक जो है टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लॉक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे. क्लॉक के जो बेसिक्स हैं वो क्या होते हैं, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत इजी बना देता है. देन उसके बाद हम करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड द क्लॉक्स. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. फर्स्ट वी विल डू द कंसेप्ट अबाउट द क्लॉक. तो आज हम करने जा रहे हैं क्लॉक के बारे में. देखो क्लॉक क्या होती है. क्लॉक जो है उसमें टू हैंड्स होती हैं, एक आर हैंड है, एक मिनट हैंड है. आर हैंड जो होता है वो स्मॉलर वन एंड शॉर्ट हैंड होता है. उसके बाद है लार्जर वन. लार्जर वन जो है वो लॉन्ग हैंड होता है. जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है, ये क्लॉक है. क्लॉक में क्या है, एक हमारे पास आर हैंड है, एक हमारे पास मिनट हैंड है. आर हैंड जो है वो स्मॉलर वन है एंड द शॉर्ट हैंड होता है. मिनट हैंड जो लार्जर वन एंड लॉन्ग हैंड होता है. क्लियर, क्लॉक के टू हैंड्स हैं. एक हमारे पास सेकेंड हैंड भी होता है. जैसे कि मैंने अभी आपको वॉच दिखाई है, क्लॉक दिखाई है, उसमें मिनट हैंड, आर हैंड एंड सेकेंड हैंड होता है. उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं. व्हेन द टू हैंड्स आर एट अ राइट एंगल्स दे आर 15 मीटर स्पेस अपार्ट. जब दोनों हैंड्स मिनट हैंड एंड आर हैंड जो है राइट एंगल पे होते हैं. जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई है, यहाँ पर 3 और 12 है, ये है 90 डिग्री के एंगल पे. 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल पर है. जैसे ही ये राइट एंगल पर है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, 15 मिनट्स का. उसी के अकॉर्डिंगली 3 to 6 है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर भी दे आर 15 मिनट स्पेस अपार्ट. अगेन यहाँ पर 6 to 9 है, 6 to 9 में भी राइट एंगल बन रहा है, दे आर अगेन 15 मिनट स्पेस अपार्ट. अगेन हमारे पास है 12 to 9, तो यहाँ पर भी टू हैंड्स हुए राइट एंगल पर है, यहाँ पर भी 15 मिनट स्पेस अपार्ट. क्लियर है, ये दो हैंड्स हैं जब एक दूसरे पे राइट एंगल्स पे आते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस है वो 15 मिनट्स का होता है. नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं. व्हेन द टू हैंड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों हैंड्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट. जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताना है, हाँ ये क्लॉक है हमारे पास. क्लॉक में ये देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 12 है, ये 6 है. एक हमारे पास आर हैंड है, एक हमारे पास मिनट हैंड है. तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दे आर 30 मिनट स्पेस अपार्ट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, एंगल ट्रेस बाय द आर हैंड इन द 12 आर इज इक्वल टू 360 डिग्री. जो एंगल ट्रेस किया जाता है आर हैंड के साथ पूरी 12 आर्स में, वो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है. अगेन एंगल ट्रेस बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड के साथ जो भी एंगल बनता है, मिनट हैंड में क्या होता है 60 मिनट्स, तो वो भी कितना है 360 डिग्री. तो 1 मिनट कितना कंटेन करेगा, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री. आफ्टर कटिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री का. तो ये क्या आएगा, 1 मिनट कंटेन करता है 6 डिग्री को. अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्लॉक. क्लॉक जो है 3 टाइप्स का हम करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट्स में उनके प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. एक एंगल करेंगे, एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है. उसके बाद क्लॉक की सेकेंड टाइप करेंगे, मिरर इमेज. थर्ड टाइप करेंगे वाटर इमेजेस. क्लियर. तो अब मैंने कितना आपको बता दिया है, जो इसका बेसिक कंसेप्ट है उसमें हमने क्या किया है कि जो क्लॉक है उसमें आर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है. जो आर हैंड है वो स्मॉलर वन है एंड शॉर्ट हैंड है. जो मिनट हैंड है वो लार्जर वन है एंड लॉन्ग हैंड होता है. जब दोनों हैंड्स एक दूसरे पे राइट एंगल्स पर होते हैं देन दे आर 15 मिनट्स स्पेस अपार्ट. और जब दोनों हैंड्स मिनट हैंड एंड द आर हैंड आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन दे आर 30 मिनट्स स्पेस अपार्ट. अगेन उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट क्या किया था, एंगल ट्रेस बाय द आर हैंड इन द 12 आर इक्वल्स टू 360 डिग्री का. एंड एंगल ट्रेस बाय द मिनट हैंड इन द 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो वी कैन से दैट 1 मिनट कंटेन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 6 डिग्री. नाउ उसके बाद हमने आज और क्या बताया है कि जो क्लॉक है, क्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, आज एंगल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो भी है वो करेंगे. मिरर इमेजेस के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. नेक्स्ट है वाटर इमेजेस के रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे.
क्वेश्चंस करने लगे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्लॉक. नंबर वन, एंगल. फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज गिवन. जब टाइम गिवन है तो टू हैंड्स जो है क्लॉक हैंड में, आर हैंड एंड मिनट हैंड जो क्लॉक के हैं उनके बीच में एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. एक मैं बहुत छोटा सा एक ट्रिक लेके आई हूँ आपके पास उसको फाइंड आउट करने का, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन हमें मिलते हैं. जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको कैलेंडर के बारे में बताया था, ऐसे ही आज हम इसमें क्लॉक का करेंगे. तो शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो हमारे पास तो टाइम बहुत कम होता है, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए आज मैं आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक लेके आई हूँ. तो इसके लिए अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. 11/2 m, m मीन्स मिनट्स, इज इक्वल्स टू 30 h, h मीन्स आवर्स प्लस माइनस थीटा. थीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल. इफ एक्सटर्नल एंगल देन सब्ट्रैक्ट थीटा फ्रॉम द 360 डिग्री. ओके, अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन. लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25. ओके, तो मिनट इसमें कितने हैं, 25 है. आर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं. तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं. 11/2, मिनट्स हमारे पास है 25. 11/2 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई आर्स कितने हैं, 3. 30 × 3 बन गया 90 प्लस माइनस थीटा. तो उसके अकॉर्डिंगली देखो हमारे पास क्या आ गया. 11/2 कितना होता है, 11 को एज इट इज रहने दो. 25/2 12.5 इज इक्वल्स टू 90 प्लस माइनस थीटा. क्लियर? तो उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे. ये आएगा मेरे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 137.5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा. इसका डेसिमल की फॉर्म इसको हम ले जाते हैं, 1375 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 90 प्लस माइनस थीटा. 90 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इसको हम सब सॉल्व करने लगे हैं. यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 1375 माइनस आफ्टर एलसीएम 900 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू थीटा. क्लियर? तो यहाँ पे आफ्टर सब्ट्रैक्शन 475 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू थीटा. तो कटिंग हमने इसकी कर दी, यहाँ पर आ गया मेरे पास 95, यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, 2. तो ये आ गया 95/2. 95/2 कितना होता है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 47:1/2 degree. क्लियर? ये देखो क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज गिवन 3:25. तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करके कितने इजी वे के साथ कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है. क्लियर? तो थीटा आंसर आ गया 47:1/2 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30. तो अब देखो अब कैसे करोगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 11/2 मल्टीप्लाई 25, यहाँ पर हम लेके चलेंगे 30, क्यों, बिकॉज हमारे पास जो से मिनट्स हैं वो 30 हैं. इज इक्वल्स टू 30 आवर्स है. 30 आवर्स कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस माइनस कितना आ गया, थीटा आ गया. यहाँ पर आ गया 15 × 11 होता है 165 माइनस 240 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थीटा. आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो वो कितना आ गया मेरे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 75. यहाँ पर आ गया -75, थीटा भी माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया हमारे पास. तो हमने थीटा को क्या ले लिया, देयरफॉर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 75 डिग्री की. क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन. देखो कितना टाइम लगा हमें, कुछ ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, कुछ सेकंड्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट अब हम करेंगे, थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20. ये अब आप करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन, इसको कैसे कर सकते हैं. सेम वे है क्वेश्चन को करने का, इसका शॉर्टकट ट्रिक को आप अप्लाई करो, आप विद इन सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. देखो क्या है, 11/2 इंटू मिनट्स कितने हैं, 20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 30 आवर्स. आर कितने मेरे पास है, 4 प्लस माइनस थीटा. यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आफ्टर कटिंग 110, यहाँ पर आ गया मेरे पास 120 प्लस माइनस थीटा. देन क्या आएगा, 110 माइनस 120 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थीटा. तो ये आ गया -10 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थीटा. तो यहाँ पर माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10.
क्लियर क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एट वट एंगल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट्स पास्ट 5। देखो 15 मिनट्स पास्ट 5 का मतलब क्या होता है, 5:15, इसका मतलब है 5:15। क्लियर। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम फार्मूला को अप्लाई करके। क्या किया मैंने, 11/2 m इज इक्वल्स टू 30h प्लस माइनस थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखो मिनट कितने हैं, 15, आवर्स कितने हैं, 5, पास्ट 5, यहाँ पे है 15 मिनट्स पास्ट 5, 5 बीत चुका है, उसके बाद 15 मिनट्स है, तो ये आ गया 5:15। तो यहाँ पर मिनट्स जो है मेरे पास है 15, यहाँ पर पुट कर देंगे, मिनट हमारे पास आ गए 15, 30 और ये आवर्स कितने हैं, 5 प्लस माइनस थीटा। उसके बाद है 15 को 11 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 165 डिवाइडेड बाय 2, और ये राइट साइड पे है 150, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 150 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थीटा। आफ्टर एलसीएम हमारे पास आएगा 165 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, 135 डिवाइडेड बाय 2, और वो नेगेटिव में आएगा, थीटा को भी हम नेगेटिव में ले लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 135 डिवाइडेड बाय 2 मीन 67.5, 67:1/2 डिग्री। क्लियर। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, -135 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, इसकी जब हमने कटिंग करी ये हमारे पास आ गया 67.5, इसका मतलब 67:1/2 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। कितना टाइम, देखो आपने ही देखा है कितना टाइम लगा, कुछ खास टाइम तो हमें लगा ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, विद इन सेकेंड्स में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25 इज, ये देखो एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाए हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को हम करेंगे, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:25। तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक में रिफ्लेक्स एंगल जब आपने कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको टाइम कितना गिवन है, 10:25, तो हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। बस फर्क क्या होता है कि जहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल लिखा जाता है, जो एंगल आपके पास आता है आपने उसको 360 डिग्री में से माइनस करना होता है, तो फार्मूला हम लोग वही सेम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर फार्मूला कौन सा बनेगा, 11/2 m इज इक्वल्स टू 30h प्लस माइनस थीटा। तो ये आ गया 11/2 × 25 इज इक्वल्स टू 30 × 10 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास बन गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 275 डिवाइडेड बाय 2, राइट साइड पे कितना आ गया, 300 प्लस माइनस थीटा। अब हम इधर करेंगे, यहाँ पे 275, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 275 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 300 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू थीटा। क्लियर। अब हमने एलसीएम ले लिया 2, तो क्या आ गया, 275 माइनस 600 इज इक्वल्स टू थीटा। तो जब हमने इसको माइनस किया तो माइनस करने के बाद क्या आ गया, माइनस 325 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। माइनस के साथ हम लोग माइनस को कैंसिल कर देंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 162:1/2 डिग्री। क्लियर। तो ये थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 162:1/2 डिग्री। अब बात आती है कि उन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करो। अब हम रिफ्लेक्स एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 360 में से माइनस करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, इसको 360 में से माइनस करेंगे, तो मेरे पास आ गया रिफ्लेक्स एंगल हमने कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। तो क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस 162.5 डिग्री, 360 में से 162.5 डिग्री को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 197.5
0.5, इसका मतलब 197:1/2 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगी, 197:1/2 डिग्री। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। जब कोई भी एंगल बोला हो टू हैंड्स के बीच में, आपको टाइम गिवन हो, तो आपने उसी टाइम पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, 11/2m = 3h + -थीटा। थीटा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल। इफ़ द थीटा एंगल इज द एक्सटर्नल, देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 360 डिग्री। तो जब रिफ्लेक्स एंगल भी बोला जाता है तो सेम मेथड ही है, आपने वैसे ही एंगल निकाल के, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना था तो 360 डिग्री में से जो एंगल हमारा आया था उसको माइनस करते हो तो वो हमारा आंसर बन जाता है। उसके बाद इसी टॉपिक के रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 340 आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ, ये अपने एंगल को फाइंड आउट करना है। इसको भी देखो सेम उसी वे से, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा वे डिफर है, क्योंकि जो पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी थी, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज गिवन, और इस क्वेश्चन में ऐसे आपको स्टेटमेंट दे दी है, एट 340 आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फॉर्म एन एंगल ऑफ व्हाट, कौन सा एंगल, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, फिर क्वेश्चन मार्क बन गया कि कौन से एंगल को हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 11/2m = 30h + -थीटा। वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे 11/2 मिनट्स की जगह पर 40 आ गया, 30 आर्स की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस माइनस थीटा, यहाँ पर कटिंग करके यहाँ पर बन गया 20। तो 20 को किया तो 220, इधर मेरे पास आ गया 90 प्लस माइनस थीटा। क्लियर, अब 220 में से 90 को माइनस करो, 220 - 90° = θ, 0, 10, 11, 12, 3 आ गया और 1 आ गया, 130 डिग्री जो है वो हमारे पास एंगल आ गया, 130 डिग्री एंगल है। तो क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन हमारे पास। अगर टाइम अपने एंगल निकालना है, टाइम गिवन है टू हैंड्स के बिटवीन में, तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके रिलेटेड आज की वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि जो हमने ये एंगल के बाद एक हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है, अब वो हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं टाइम का, कि टाइम को कैसे निकालेंगे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी एट अ राइट एंगल। देखो यहाँ पर क्लॉक के बीच में 4 और 5 के बीच में कितना टाइम होगा, ये हम क्लॉक बना लेते हैं, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये है 4 और ये है 5। 4 और 5 के इन बिटवीन कौन सा एंगल बनेगा, क्या टाइम होगा, ठीक है, जब दोनों एक राइट एंगल पे होंगे। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है, 11/2m = 3h + -थीटा। देखो इसमें क्या है, हमने एम फाइंड आउट करना है, मिनट्स को फाइंड आउट करना है, बिकॉज हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। आर हम कौन सा लेके चलेंगे, आर हम स्टार्टिंग वाला लेके चलेंगे कि कौन सा आर है, आर कौन से, 11/2m = 3×4 + -थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 11/2m = 30, 120 + -थीटा। अब हम इसके दो केसेस लेके चलेंगे, प्लस का माइनस का केस लेके चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास आता है 11/2m = 120, यहाँ पर थीटा की जगह पे लिखेंगे 90 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, राइट एंगल, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का, यहाँ पर हम करेंगे 90 डिग्री। यहाँ पर आएगा मेरे पास 11/2m = 210 डिग्री।
ठीक है जी। तो m हम निकालेंगे, क्या आएगा मेरे पास, 210 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया हमारे पास 420/11। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे कितना आएगा, 38:2/11 मिनट्स आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद सेम ऐसे केस हम लेके चलते हैं अगर हम नेगेटिव में लेके चले। देखो नेगेटिव में लेके चलते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 11/2 m इज़ इक्वल्स टू क्या आएगा, 120 माइनस 90 डिग्री। 120 माइनस 90 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। सो 11/2 m इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो m हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 11 मिनट्स। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5:5/11 मिनट्स। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, एट व्हाट टाइम बिटवीन द 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट द राइट एंगल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारे पास ऐसा ही है, एट व्हाट टाइम 7 and 8 o'clock विल बी द हैंड्स, 7 and 8 o'clock विल बी द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन द स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। अब यहाँ पर क्या बात चल रही है, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कौन सा हम एंगल लेके चलेंगे, 180 डिग्री का। जब राइट एंगल बोला है तो आपने लेके चलना है 90 डिग्री का, जब स्ट्रेट लाइन बोला है तो आपने लेके चलना है 180 डिग्री का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 11/2 m इज़ इक्वल्स टू 30 h प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कौन सी डिग्री आएगी, 180 डिग्री का आ जाएगा थीटा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री का। तो क्या आ गया, 11/2 m इज़ इक्वल्स टू 30 × 7 + −180 डिग्री स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 11/2 m इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पर, 210। अगर हम माइनस लेके चलते हैं तो क्या आएगा, 180। अगर प्लस माइनस लेके चलेंगे तो माइनस का साइन आएगा, प्लस का लेके चलेंगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, मैंने माइनस लिया तो क्या आ गया, 11/2 m 210 में से 180 के तो कितना आ गया, 30 डिग्री का आ गया। क्लियर। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, मिनट्स की निकालनी है। क्या करेंगे, 11/2 minutes इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो मिनट इज़ इक्वल्स टू 13 × 2 कितना आ गया, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 11। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5:5/7 11 minutes 5:5/11 minutes। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। ये भी आपके पास एक टॉपिक था जहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जब वो एंगल राइट एंगल पे हो, जहाँ स्ट्रेट लाइन पे हो बट नॉट टुगेदर, उस केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट जो है इसका एक और मेथड करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मिरर इमेजेस। अब हम टॉपिक करने लगे हैं मिरर इमेजेस का। देखो मिरर इमेज जो निकालने हैं उसको कैसे निकाला जाता है, मिरर इमेज को कैलकुलेट करने के लिए कि जैसे एक क्लॉक है, क्लॉक में जो भी टाइम दिया हुआ है ये उसकी मिरर इमेज है। मिरर इमेज से क्लॉक का ये टाइम निकालना है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है कि हमने मिरर इमेज में क्या देखना है कि हमारे पास एक साइड पर, मिरर के एक साइड पर जो क्लॉक है उसका टाइम है 8:15। तो अब हमने मिरर इमेज में जब उस क्लॉक को देखेंगे तो उस क्लॉक के ऊपर टाइम क्या आएगा, अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 12। हमें इसको हमेशा 12 में से माइनस करना है, 12 में से माइनस करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब 12 में से माइनस करते हैं, अगर सपोज करो नीचे वाली टर्म जो सब्ट्रैक्ट करनी है वो बड़ी है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 तो 11:60 का मतलब भी क्या हो गया, 12 बज गए। तो हम लोग जो है 12 को भी 11:16 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। ये 12 है, 12 o'clock। इसमें से हमने हमेशा माइनस करना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11:60। तो ये सेम चीज़ बन गया आपके पास 11:60। अब यहाँ पर है टाइम कितना दिया हुआ है, 8:15
15 मिनट। यहाँ पर 8:15 है, हम इसकी मिरर इमेज को देखेंगे। जब हम इसकी मिरर इमेज को देखेंगे 8:15, हमने इसको 12 में से माइनस करेंगे तो ये देखो 15 जो है, जब मैं माइनस करने लगती हूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पर 8:15 को माइनस करती हूँ, ये 12 में से 8 तो हम लोग इजीली माइनस कर लेंगे, बट 0015 है, 0 में से 15 को माइनस करना तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 11:60 में से 8:15 को माइनस करते हैं। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, 11 में से 8 गए 3, तो ये क्या आ गया 3:45। तो हमारे पास जो मिरर इमेज आई वो कौन सी आ गई, 3:45। क्लियर, 3:45 ये इसकी मिरर इमेज आ गई। क्लियर, नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन है, अगर 6:20 है, 6:00, 6:20 है, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 है, ये हम क्लॉक पूरी फिल कर लेते हैं, यहाँ पर 7 है, 8, 10 एंड 11, उन्होंने हमें टाइम क्या दिया है, 6:20। ये अगर 6:20 का टाइम है तो हम लोगों ने अब क्या करना है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालने के लिए किस में से माइनस करेंगे, 12 में से, 12 का मतलब है 11:60। 11:60 में हम माइनस करेंगे 6:20 को, तो हम बड़े इजीली वे के साथ इसको माइनस कर सकते हैं, 0, 4 और यहाँ पर 5, तो ये क्या बन गया 5:40। इसकी क्लॉक को भी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 के बाद 10, 11, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 5:40। क्लियर हो गया ये भी। सिमिलरली हम लोग मिरर इमेज को बनाएंगे, अगर हमारे पास आता है 12:10 है, तो 12:10 भी हम लोग पहले बनाते हैं, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, पहले हम क्लॉक को फुल बना लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, ये है 12:10। क्लियर, अब हमने इसकी मिरर इमेज को निकालना है, 12:10 है। अब आपने ना यहाँ पर देखो, ये जो 12 है, 12 के बाद 1 है, 1 से पहले क्या होता है 0, और 12 के बाद भी क्या होता है 0, 0 से 0 के बाद 1 है, 0 से पहले 12 है, तो इसका मतलब जो 12 है या 12 है, 12 को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं या 0 को भी हम 12 के इक्वल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क तो है ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर 12:10 है, हमने इसकी मिरर इमेज को फाइंड आउट करना है, तो हम इसकी मिरर इमेज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे 11:60 में से, ये है 11:60 में से अगर हम माइनस करते हैं, किसको माइनस करेंगे 12:10 को, मेरे को ये बताओ आप इसको माइनस कर सकते हो, इधर तो माइनस कर लोगे क्योंकि नीचे वाली टर्म जो है वो क्या है आपके पास छोटी है, और लेफ्ट साइड में ये बड़ी है, तो ऐसे आप माइनस नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 12 की जगह पर 0 लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा 11:60 में 0:10, जब माइनस किए तो क्या आ गया 50, इधर क्या आ गया 11, तो ये आंसर क्या आ गया, मिरर इमेज इसकी क्या आ गई आपके पास 11:50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, 12, तो अब हमारे पास क्या आ गया 11:50। ठीक, ये आपकी मिरर इमेज आ गई। क्लियर है, अब उसकी उसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग मिरर इमेज का लेके आए हैं, यहाँ पर इस क्लॉक में हमें टाइम गिवन है 11:12। सबसे पहले तो हम क्लॉक बनाएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो देखो टाइम क्या दिया हुआ उन्होंने 11:12।
11:12 दिए हैं। तो इसकी मिरर इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो हमारे पास, हम लोग इसको क्या करेंगे, 11:60 में से 11:12 माइनस करते हैं तो मेरे पास कितना आ गया, 48, और यहाँ पर आ गया 0 hours 48 minutes। तो 0 hours 48 minutes नहीं हम लिख सकते, हम लिखेंगे 12 hours 48 minutes। तो इसको हमने 0 की जगह पे क्या लिख लिया, 12:48। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टाइम आ गया, मिरर इमेज आ गई, ये मैं मिरर इमेज बनाने लगी हूँ, 7, 8, 9 के बाद 10 के बाद 11, ये आ गया 12:48। ठीक है जी, क्लियर। ये हमारे पास क्लॉक है 12:48 की। तो ये हमारे पास बन गया पूरा मिरर इमेज का टॉपिक है, क्लियर। अब मिरर इमेज के टॉपिक के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट वाटर इमेज। अब हम टॉपिक लेके आए हैं वाटर इमेज का। वाटर इमेज में देखो कैसे करेंगे, इस वाटर इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज होती है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लॉक को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो ये मैंने क्लॉक बना दी है, इसका टाइम आपको सपोज करो दिया हुआ है 12:45। ठीक है, ये है 12:45 का टाइम है, उसकी आपने वाटर इमेज निकालनी है। वाटर इमेज होती है रियल इमेज। इसमें आपने एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है कि जब आपने वाटर इमेज निकालनी है तो आपने किसको किस में से माइनस करना है, जब आपने मिरर इमेज निकालनी है तो क्या माइनस करना है, जब आपने एंगल निकालना है, टाइम निकालना है। जैसे मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं, उनको अपने माइंड में सेट कर लेना, और बड़ी जल्दी आप देखना कि आप कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे कि आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, आप विद इन सेकेंड्स में इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाटर इमेजेस आ गई। जैसे यहाँ पर हमारे पास टाइम है 12:45 का, ये है टाइम 12:45 का। अब हमने इसकी वाटर इमेज, इसको हमेशा माइनस करना होता है 18:30 में से। ठीक है, अब देखो 18:30 में से माइनस करते हैं तो 12:45, जब हम 12:45 को 18:30 में से माइनस करेंगे, 45 जो नीचे वाली टर्म बड़ी है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ऊपर वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, छोटा है। इसलिए हम लोग इसको 18:30 को कैसे लिख सकते हैं, 1790 में से माइनस करेंगे 12:45, तो वो कितना आ गया, 5, 4, यहाँ पर आ गया 5, तो 5:45। तो हमारे पास जो वाटर इमेज क्या बन गई इसकी, 5:45। तो हमने यहाँ पे क्लॉक को कंप्लीट करते हैं, 5:45। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद है हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन है, सपोज करो 4:40 का टाइम दिया हुआ है, उसकी आपने वाटर इमेज निकालनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसका दिया है 4:40, 4:40। ठीक है जी, अब इसकी हम वाटर इमेज निकालेंगे, कैसे करेंगे इसकी भी वाटर इमेज निकालने के लिए, हम लोग इसकी वाटर इमेज निकालने के लिए करेंगे 18:30 में से माइनस करेंगे 4:40। ये देखो यहाँ पर भी फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि जो ऊपर वाली टर्म है वो छोटी है, तो इसको भी क्या किस में से माइनस करेंगे, 1790 में से माइनस करते हैं 4:40। हमारे पास आ जाएगा 13:50। अब जो 13:50 आया है, अब उसको भी एग्जैक्ट क्लॉक के अकॉर्डिंगली हमने लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13:50 को भी अकॉर्डिंग टू क्लॉक हमने लिखना है। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, इसमें से 12 को माइनस कर देंगे, 1:50। तो 4:40 की जो वाटर इमेज है वो मेरी आएगी 1:50। क्लियर, जैसे हम 12 को 0 के इक्वल लिखते हैं, सिमिलरली हम 1 को 13 के इक्वल लिखते हैं, 2 को 14 के इक्वल लिखते हैं, सिमिलरली
3 को हम 15 के इक्वल लिखते हैं, ऐसे कॉन्टीन्यूसली सो ऑन हम लोग लिखते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। यहाँ पर टाइम था 4:40। इसकी वाटर इमेज के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आया 1:50। क्लियर। थर्ड अब हम करने जा रहे हैं वाटर इमेज में, हमारे पास है 2:35। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2:35। ठीक, अब हमने इसकी वाटर इमेज निकालनी है। इसकी भी वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका भी सीधा ही 17, 19 में से हम लोग माइनस करेंगे 2, 35। कितना आ गया 5, 5, 15। 15:55। 15 और 55 क्या है मेरे पास मिनट्स हैं, इसको हम क्या करेंगे 12 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 55 और यहाँ पर आ गया 3। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी वाटर इमेज जो बन गई है वो 3:55 बन गई है। यहाँ पर हम क्लॉक को शो करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसकी वाटर इमेज बन गई 3:55। क्लियर। तो आज हमने अब वाटर इमेज भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपने सारा स्टार्टिंग में हमने कंसेप्ट्स किए थे, उसके बेसिक किए थे, शॉर्टकट ट्रिक्स करी थी, देन उसके बाद हमने उसके एंगल्स के क्वेश्चन किए थे, फिर नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन हैं, मिरर इमेजेस है, वाटर इमेजेस है, हमने करी हैं। तो अब मैं उसके रिलेटेड सबके रिलेटेड जितने भी हमने टॉपिक किए हैं सब टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगी, एक असाइनमेंट दूंगी, उन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और उनके जो रिजल्ट हैं वो कमेंट में लिखने हैं, अपने रिजल्ट्स बताने हैं अपने। तो जो भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो कमेंट में आप लिख देना, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।